गाइस ईद मुबारक, ईद सीरीज चल रही है गाइस। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ईद के रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर रहे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं वीडियोस नहीं ला रही थी अपने चैनल पे 1 मंथ और 2 मंथ से बिकॉज ऑफ रमज़ान और मेरे एग्जाम भी चल रहे थे। तो आज से मैं वीडियोस को स्टार्ट कर रही हूँ। मे बी हो सकता है मैं वीक में 4 और 3 वीडियोस अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप कर दो बिग लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस, और भी ज़्यादा पसंद आए तो अपने सारी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द मेबेलिन क्रीमी मैट सेंसेशनल लिपस्टिक। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना था। तो ये पहले जब न्यू लॉन्च किया गया था गाइज तो इसका दाम आई थिंक 600 or 700 था, बट इस टाइम इसका लॉन्च प्राइस है 299 रुपीज़ में। तो ये अभी काफ़ी अफोर्डेबल पे चल रहा है। तो मैंने यहाँ पिक किया है न्यूट कलेक्शन से। इसको टोटल 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि पिंक, कोरल, प्लम, न्यूट एंड रेड। तो मैंने इसे न्यूट से पिक किया है। हर कैटेगरीज में गाइज आपको टोटल 7 सेट्स मिलेंगे, जैसे कि पिंक में आपको 7, कोरल में 7, हर कैटेगरीज में आपको 7 सेट्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ से चूज किया है शेड नंबर 656। एज यू कैन सी गाइज, आई थिंक कैमरा इसका शेड नंबर नहीं ले रहा है, मैं फिर भी फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसका शेड नंबर है गाइस 656 और इसका शेड नेम है क्ले क्रश। ये एक्चुअली लिखा हुआ है पीछे आपको गाइस, यहाँ आपको इजीली दिखता होगा दिखने में। भी हो सकता है मेरा कैमरा अभी शेड्स परफेक्ट नहीं ले रहा है क्योंकि एक्चुअली मुझे लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी डार्क हो जा रही है तो कभी बहुत ज़्यादा फेयर लुक दे रहा है मेरा फेस। तो इसका प्राइस 299 रुपीज़ में मिलेगा गाइस आपको। यहाँ पर इसका सारा प्राइस डिटेल्स मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट भी मिलेगा। इसका सेल्स लाइफ आपको 2 से 3 ईयर्स ईजिली मिल जाएगा। कोई भी लिपस्टिक आपका 1 ईयर से ओवर चल नहीं सकता अगर आप लिपस्टिक लवर हो। अगर नहीं हो लिपस्टिक लवर तो 2 ईयर्स इज एनफ, बट उससे पहले आपको लिपस्टिक को फेंक देना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए अगर एक्सपायर हो गई आपकी लिपस्टिक। तो इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग इसके कैटेगरीज को चूज़ कर सकते हो गाइस। तो मैंने यहाँ न्यूड शेड से पिक किया था, तो मैं सबसे पहले इसका शेड्स दिखाना चाहूंगी आपको गाइस। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शेड्स लगाया हुआ है गाइस, एज यू कैन सी। मैं इसका नीचे फिर से अप्लाई करती हूँ, ये मेरा पहले का वीडियो का शेड्स है। तो एज यू कैन सी गाइस काफी प्यारा शेड्स है इसका। तो ये क्रीमी मैट फार्मूला पे बनाया गया है गाइस। ये अदर लिपस्टिक की तरह हमारे होंठ को ड्राई नहीं करेगा, पाउडरी ड्राई फार्मूला पे नहीं है। ड्राई बहुत ही केकी टाइप फील आपको लिप्स पे नहीं करेगा, बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट मैट पे इसको बनाया गया है गाइस। ये अप टू 8 आवर्स हमारे लिप्स पे स्टे करता है गाइस, एवरीडे के लिए परफेक्ट है। और न्यूड ऑप्शन में गाइस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, आप इसे एवरीडे के लिए ले सकते हो गाइस। कॉलेज हो, ट्यूशन हो, आप सब में इसे यूज़ कर सकते हो एवरीडे के लिए। ये परफेक्ट है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल पे है और इसका फॉर्मूला मैट है, बट मैट के साथ इसे क्रीमी टेक्सचर पे बनाया गया है। तो इससे हमारे जो होंठ है वो ड्राई नहीं होती है और साथ साथ हमारे होंठ में मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ साथ मैट फार्मूला पे भी है। तो अगर आप मैट लिपस्टिक लवर हो और न्यू शेड्स ऑप्शन चाहते हो या कोरल या पिंक कुछ भी ऑप्शन चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में और बिग ब्रांड की तरफ से, अच्छा खासा ब्रांड है गाइस ये मेबेलिन, आप ये पिक ज़रूर कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लिपस्टिक ऑप्शन है गाइस आपके लिए। तो ये था मेरा एक स्मॉल सा रिव्यू ऑन मेबेलिन कलर सेंसेशनल मैट लिपस्टिक। तो इसका आप शेड्स भी देख चुके हो गाइस, मैंने शेड्स नंबर भी आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको ये लिपस्टिक लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें गाइस, वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिंक के साथ साथ इसका शेड्स नंबर और कहाँ से लेना है आपको, मैं 2 लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो या फिर मेबेलिन का आउटलेट पे भी परचेस कर सकते हो। तो गाइस मैं इसका पैकेजिंग के बारे में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, आपके दिमाग में यह आता होगा कि पैकेजिंग के बारे में मैंने क्यों नहीं कहा। पैकेजिंग के बारे में मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसकी पैकेजिंग ये डायरेक्ट आती है, एक प्लास्टिक इसके ऊपर से लगा हुआ रहता है जो इनविजिबल ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पे रहता है। तो मैंने प्लास्टिक को यहाँ से कट करके इसलिए रखा है ताकि मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट
अब कंटिन्यू देखते रहो अगर ये एक्सपायर हो गए तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को बिग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना बिल्कुल भी ना भूले। सो टिल देन बाय गाइस, आई होप यू विल एंजॉय दिस। If you busy plotting on what I got.